नमस्कार, एनबीसी न्यूज के प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। डालते नजर प्रदेश के खबरों पर। मुक पशुओं के लिए मिर्जापुर नगर में रहने वाले राज माहेश्वरी एक सहारा बन गए हैं, जिनके आने पर पेट भरने का जुगाड़ हो जाता है। आम इंसान इन्हें देखकर भाग खड़े होते हैं तो वही यही बंदर उनके हाथ से फल लेने के बाद कंधे पर सवार हो जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रतिदिन भोर होते ही सड़क पर निकल जाना और बेजुबान गाय, बंदर और कुत्तों को खाने का सामान खिलाना राज माहेश्वरी की दिनचर्या में शामिल हो गया है। करीब 35 वर्षों से यह मिशन अकेले ही जारी है। बंदरों के बीच बैठकर उन्हें हाथ से खाना खिलाते हैं। आम इंसान घुमंतू बंदरों को देख भाग खड़ा होता है, पर इन्हें देख बंदर और अन्य पशु एक आवाज लगाते ही इनके पास दौड़े चले आते हैं। हाँ, सेवा करने में हम लोग को दिक्कत भी आती है। कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप बंदरों को खिला रहे हैं, बंदर बड़े उपद्रव करते हैं। मगर हम उनसे यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि भी जो भूखा होगा वो कोई भी, वो आदमी भी अगर भूखा रहेगा तो आदमी भी उपद्रव करेगा। अगर उसका पेट भरा रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है, फिर वो उपद्रव नहीं करेगा। हम दूसरों से यही कहना चाहेंगे कि भाई जीव जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक योजना आई थी लॉकडाउन में, उनको भी हम बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी जीव भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने मन की बात में भी ये बोला था कि कोई भी जीव लॉकडाउन में भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा खिला देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 1000-1200 की संख्या ही है बंदरों की, और गौ माता भी जो है 1000-1200 शहर भर में है, और इतना बड़ा हमारा नगर है, 10 लाख की आबादी है यहाँ की, तो एक एक रोटी भी दे देंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। वर्षों से मूक पक्षियों की सेवा में लगे राज फल के दुकानदारों के बीच भी नियमित ग्राहक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। दुकान न लगने पर वह फल बेचने वालों के घर तक पहुँच जाते हैं। खिलाते हैं, बंदरों को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं, कुत्ता मिलता है कुत्तों को खिला देते हैं, पेटी को पेटी ले जाते हैं। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।